हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू सोनकर। आपका अपना यूट्यूब चैनल चूल्हा चक्की में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं टेस्टी पोटैटो वेजिस की रेसिपी। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है और झटपट से ये वेजिस बन जाते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ये टेस्टी कैफे स्टाइल पोटैटो वेजिस। पोटैटो वेजिस बनाने के लिए यहाँ हमने 5 बड़े साइज के पोटैटो लिए हैं। आपको एक बात कहना चाहूँगी, वेजिस बनाने के लिए आप बड़े आलू ही लें, क्योंकि बड़े आलू के वेजिस ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और वैसे आप लेना चाहें तो छोटे आलू भी ले सकते हैं। आलू को हमने पहले से ही पानी में भिगो कर रख दिया था ताकि इसकी मिट्टी निकल जाए। फिर इसको हमने अच्छे से मसल कर अच्छे से धो लिया है, क्योंकि हमें आलू के छिलके नहीं उतारने। इसीलिए आप आलू को चाहे तो ब्रश से घिस लें या फिर हाथों से मसल कर धोएं। धोना जरूर है, वो भी अच्छे से। आलू को अब हम काट लेते हैं। ये हमने आलू ले लिया है, इसको सबसे पहले हम बीच में से इस तरह से कट कर देंगे। फिर इस तरह से इसके स्लाइस बना लेंगे। स्लाइस हमें ना ज़्यादा मोटे रखने हैं और ना ज़्यादा पतले रखने हैं। इस तरह से हमने एक साइड से 4 पीस बना लिए हैं। अब दूसरे साइड से भी हम इसके पीस कर लेते हैं। तो हमने ये एक आलू के 8 स्लाइस बनाए हैं। इसको हम पानी में डाल देंगे। इस तरह से हम सारे आलू काट लेंगे। तो हमारे सारे आलू कट गए हैं। इनको हमने इस तरह से स्लाइस में काटा है, ना ज़्यादा मोटा और ना ज़्यादा पतला। अब इसको हमने एक बार पानी में और भिगो दिया है, क्योंकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा मिट्टी होगी वो निकल जाएगी और एक्स्ट्रा स्टार्च होगा वो निकल जाएगा। तो चलिए अब हम आलू को बॉईल कर लेते हैं। आलू को बॉईल करने के लिए यहाँ पर हमने कढ़ाई रख दी है, उसमें हमने 1 से 1.5 लीटर तक पानी डाला है। पानी हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के नमक। अब इसमें डाल देंगे हम जो आलू की हमने स्लाइस की थी वो। हमें इन आलू को ज़्यादा बॉईल नहीं करना, सिर्फ 50% तक हमें इसको बॉईल करना है। 4 से 5 मिनट तक हम इनको बॉईल करेंगे। गैस का फ्लेम हम तेज कर देंगे। अब इस तरह से हम इसको कवर कर देंगे और गैस का फ्लेम हम तेज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गए हैं। अब हम आलू को चेक कर लेते हैं। इस तरह से हमें फोक से चेक करना है। देखिए, ये इजीली जा रहा है। हमें ज़्यादा भी इसको कुक नहीं करना, बस इतना करना है कि थोड़ा नरम पड़ जाए। अब इसको हम निकाल के ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने सारे आलू को निकाल लिया है और छलनी में डाल दिया है। इतने हमारे आलू ठंडे हो रहे हैं, तब तक हम बैटर बना लेते हैं इनको टेस्टी बनाने के लिए। टेस्टी बैटर बनाने के लिए हमने मिक्सिंग बाउल लिया है। इसमें अब हम डालेंगे 5 चम्मच भरकर मैदा। अब इसमें हमारा जाएगा 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर। ये हमने भर भर के डाल दिया इसमें 5 चम्मच। और अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच चावल का आटा, जिससे वेजिस क्रिस्पी और करारे बनेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून हमने यहाँ पर लिया है कश्मीरी लाल मिर्च, इससे वेजिस का कलर बहुत अच्छा आएगा। अब लेंगे हम यहाँ पर 1 छोटा चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट है। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर है तो आप वो ले सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल, इससे पोटैटो वेजिस बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अब इनको इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम पतला घोल बना लेंगे। पानी हमें एक साथ सारा नहीं डालना, पहले हम इसका गाढ़ा घोल बनाएंगे ताकि इसमें जो भी लम्स है वो ख़त्म हो जाए। पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है। इस तरह से हम इसको
मिक्स करके एक ही डायरेक्शन में पतला घोल बनाएंगे। तो फ्रेंड्स इसके सारे लम्स ख़त्म हो गए हैं। इस तरह से हम थोड़ा पानी इसमें और डाल के इस घोल को हम थोड़ा सा पतला कर लेंगे। हमें ज़्यादा पतला भी नहीं करना, ऐसे रखना है कि वेजिस के ऊपर कोटिंग हो जाए। ना ज़्यादा पतला हमें घोल रखना है और ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है। ये देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी में हमें रखना है। तो चलिए हमारा बैटर तो ये तैयार हो गया, अब हम वेजिस को फ्राई कर लेते हैं। वेजिस को फ्राई करने के लिए यहाँ पर हमने पैन रख दिया है। पैन में हमने रिफाइंड ऑयल डाला है और गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। अब एक एक वेजिस लेंगे हम, इस तरह से डीप करना है हमको और इस तरह से हम करेंगे, जितना भी एक्स्ट्रा है वो निकल जाएगा। सिर्फ इस पर पतली सी कोट आनी चाहिए। ये हम इस तरह से डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से हमें पानी बिल्कुल गार लेना है, जो भी एक्स्ट्रा है सब निकल जाएगा बैटर। अब एक एक करके इस पर हम पैन में डालते जाएंगे। ये देखिए जितनी स्पेस है उतना ही हम डालेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम सारे डाल लेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स हमारे वेजिस कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। इन्हें हमें क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है और मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। अगर आप हाई फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे तो ये ज़्यादा देर तक क्रिस्पी नहीं रहेंगे। इसलिए हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और ये जो बैटर है इसमें हमें सारे आलू को नहीं डालना है, नहीं तो ये बैटर पतला हो जाएगा। 5 मिनट बाद मैं आपको और दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से हमारे वेजिस फ्राई हो गए हैं। इनका कलर देखिए बहुत बेहतरीन कलर आया है। ये क्रिस्पी भी अच्छे से हो गए हैं। पूरे वेजिस को हमने 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई किया है और फिर बाद में हमने गैस का फ्लेम तेज कर दिया था। अब इनको हम निकाल लेंगे। इस तरह से इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हमने फ्राई कर लिया है। इस तरह से सारा एक्स्ट्रा ऑयल इसमें से निकल जाएगा। फिर सेकंड बैच भी हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स सेकंड बैच भी हमने इस तरह से डाल दिया है और इसको भी हम मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। और इसको फ्राई होने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स हमारे साथ फ्राई हो रहे हैं। देखिए इनका कलर बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। अब इनको हम निकाल कर और आपको प्लेटिंग करके दिखाते हैं। लीजिए फ्रेंड्स हमारे सारे पोटैटो वेजिस फ्राई हुए हैं। हमने प्लेटिंग भी कर ली है। इसे हमने सर्व किया है टमाटो सॉस के साथ। आप ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अब इस पर हम डालेंगे थोड़ा चाट मसाला, इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। अब डालेंगे हम थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो स्किप कर सकते हैं। और अब डालेंगे हम थोड़ा काली मिर्च पाउडर और थोड़ी सी धनिया की पत्तियों से हम इसको गार्निश कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी वेजिस फ्राई हुए हैं। इन्हें आप बच्चों को फ्राई करके दे सकते हैं। बच्चों को तो क्या, बड़ों को भी देंगे तो उन्हें बहुत अच्छे लगेंगे। आप इन वेजिस को स्नैक्स में ले सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। आप मेरी इस टेस्टी रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। कैफ़े में ना जाकर आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही टेस्टी टेस्टी रेसिपी लेकर आ सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।